आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक वक्त था जब मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर आज मैं भूत प्रेत का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगता हूँ, क्योंकि आज से काफी साल पहले मेरे साथ घटी एक घटना जिसने मुझे बता दिया कि हाँ, सच में इस दुनिया में जो दिखाई नहीं देता वो भी शामिल होता है। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं आज तक निकाल नहीं पाया और ना ही अपने जीते जी निकाल पाऊंगा। खैर, सरपंच जी के घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। इस पर मैंने अपने दोस्त अजय से कहा, अजय यार काफ़ी रात हो गई है, तो हमें घर पहुंचने में 11 बज जाएंगे। इस पर अजय ने कहा, हाँ यार सच में हमें थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, क्योंकि उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली थी और ना ही गांव के लोग ज़्यादा रात तक घर से बाहर रहते थे। दरअसल मैं और अजय हम दोनों किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से दूसरे गांव के सरपंच के घर आए थे और हमें यहां से निकलते निकलते रात के 9 बज गए। इस गांव से हमारा गांव पैदल 2 घंटे का सफ़र है, तो हमें अभी काफ़ी देर पैदल चलना पड़ेगा, जिस कारण हम और समय जाया ना करके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमें ज़्यादा दूर तक कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतना घना अंधेरा देखकर मैंने जब अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि आसमान को काले काले बादलों ने पूरी तरह से घेर रखा था, जिस कारण चांद का कोई अता पता नहीं था। इतने घने अंधेरे को देखकर मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया, तो मेरे टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। खैर, हम टॉर्च की हल्की रोशनी में ही आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए मैंने अजय से कहा, अजय जल्दी जल्दी पैर चला, लगता है काफ़ी तेज बारिश आने वाली है। जिसके बाद हमने अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि हमारे चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी और साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। रास्ते के किनारे दोनों तरफ जंगल होने के कारण हमें एक डर ये भी था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे। खैर, कुछ देर पैदल चलने के बाद हम उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते पर पहुँचे, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा वीरान था। साथ ही साथ वो एक कच्चा रास्ता था जिस पर काफ़ी सारा कीचड़ फैला हुआ था, जिस कारण हमें पैदल चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी हम किसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक बारिश आ गई, वो भी कड़कती बादलों के साथ। बारिश के शुरू होते ही मैं और अजय हम दोनों काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि हम बारिश से बचने के लिए छिप सकें। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए कि तभी अजय ने कहा, प्रमोद वो देख, एक घर दिख रहा है, तो हम बारिश से बचने के लिए उस घर में जाते हैं। अजय के इतना बोलते ही मैंने जब अपनी निगाहें उस ओर घुमाई कि हाँ, सच में जंगलों के थोड़ा अंदर एक घर है, मगर साथ ही साथ मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस घने जंगल में ये घर किसका होगा। इस घर के अलावा और तो दूर दूर तक मुझे कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस बारिश से बचने के लिए रुकना है। जिसके बाद हम दोनों दोस्त चलते हुए उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो घर जंगल के उतना भी अंदर नहीं था,
तो हम 50-60 कदम चलने के बाद उस घर के पास पहुंच गए। तो उस घर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वो घर बाहर से पूरी तरह से काला पड़ चुका है और साथ ही साथ उस घर के सभी खिड़की दरवाजे काफ़ी टूटे फूटे से थे, मानो काफ़ी दिनों से कोई इस घर में ना रहता हो। खैर, हम बारिश से बचने के लिए चलकर उस घर के बाहर बने बरामदे में खड़े हो गए। तो हमारे बरामदे में खड़े होते ही बारिश भी काफ़ी तेज हो गई, मानो बारिश हमारे इस घर में आने का ही इंतज़ार कर रही हो। कुछ देर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने के बावजूद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने अजय से कहा, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी और हमें आज रात भर इसी घर में रहना होगा। मेरे इतना बोलते ही उस घर का बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तो अचानक इस तरह दरवाज़ा खुलने से हम दोनों हैरान हो गए। पहले पहले तो हमें लगा कि शायद इस घर में कोई रहता होगा और शायद उसी ने दरवाज़ा खोला होगा, लेकिन जब हमने खुले दरवाजे से अंदर झांका तो उस घर के अंदर का माहौल खंडर से भी ज़्यादा भयानक था। चारों तरफ बस मकड़ी के जाले ही नज़र आ रहे थे, लेकिन जब किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं तो आखिर दरवाज़ा खोला तो खुला कैसे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अजय ने कहा, लगता है हवा से दरवाज़ा खुल गया होगा, हम रात इसी घर में गुजार लेंगे और बारिश रुकते ही सुबह चले जाएंगे। अजय की ये बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तो हम चलकर उस घर के अंदर दाखिल हुए और बाहर के दरवाजे को कस के बंद कर दिया ताकि ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर ना आ सके। दरवाज़ा बंद करने के बाद हम एक कमरे के अंदर जाकर बैठ गए। पूरा घर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर बरस रही झमझमाती बारिश और घर के अंदर घना काला अंधेरा एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। खैर, अभी हम बैठे ही थे कि तभी अजय एकदम से उठा और मुझसे बोला, तो रुक, मैं हल्का होकर आता हूँ। इतना बोलकर अजय कमरे से निकलकर घर के अंदर ही हल्का होने लगा। तो इस पर मैंने चिल्लाते हुए अजय से कहा, ये क्या कर रहा है भाई, हमारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है, बाहर चला जाता हल्का होने। मेरे ये बोलने पर अजय जोर जोर से हंसने लगा, मगर हमें कहाँ पता था कि अजय की इस हरकत ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फेंक दिया है। खैर, हल्का होने के बाद अजय वापस से कमरे में आ गया और हम फिर से बैठकर आपस में बातें करने लगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें किसी के तेज तेज चलने की आवाज़ आने लगी, मगर इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और तो था नहीं, तो ये चलने की आवाज़ किसकी है ये पता लगाने के लिए हम दोनों टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकले। तो बाहर का नज़ारा देखकर हम दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि बाहर एक आदमी अपने कदमों को काफ़ी तेज पटक पटक कर चल रहा था और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये नज़ारा देखकर हम दोनों के हाथ पैर कांपने लगे और हमें पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी हम जोर जोर से कांप ही रहे थे कि तभी उस भूत ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर पेशाब करने की। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से अजय का गला पकड़ लिया। मैं अजय को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर उस भूत की शक्ति के आगे हम दोनों एक जिंदा लाश की तरह थे कि तभी मैं भागता हुआ अपने गांव मायापुर गया और गांव वालों को पूरी बात बताने के बाद उनको लेकर मौकाए वारदात पर पहुंचा, जहां पहुंचकर हमने देखा कि अजय काफ़ी जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। बाद में हमें कहीं से पता चला कि वो उसी घर में रहा करता था, मगर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि उसी घर में उस आदमी ने आत्महत्या कर ली, कि तब से उसकी आत्मा
उसी घर पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।